हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपको सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 19 जो कि बात करता है ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट, जो कि सेक्शन 238 से 247 तक डिफाइन है। आज मैं आपको फर्स्ट पार्ट पे बारे में बताऊंगा, जो कि बात करता है केस इंस्टीट्यूट ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, जो कि चैप्टर नंबर 19 से दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है केस इंस्टीट्यूट ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, इसका बी पार्ट है केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, कि एक तो वो केसेज हैं जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पे दर्ज हुए हैं, दूसरे पार्ट में बात करता जो कंप्लेंट्स के आधार पे दर्ज हुए हैं। राइट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सीआरपीसी है उसमें चार ट्रायल हैं, सेशन ट्रायल, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट एंड समरी ट्रायल, समन ट्रायल, जो कि आज हम बात करेंगे केस इंस्टीट्यूट ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, जो कि सेक्शन 238 से 244 तक बात करता है। बात करें वारंट केस की, ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट, वारंट केस वो केसेस होते हैं जिनकी पुनिशमेंट 2 ईयर से ज़्यादा होती है, ये सेक्शन 2X में डिफाइन है। बात करें समन केस एंड वारंट केस में डिफरेंस की, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो समन केस होते हैं उसमें विच पुनिशमेंट लेस देन 2 ईयर होती है, वारंट केस में जो होती है वो लेस देन वो मोर देन 2 ईयर होती है। समन केस में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नेसेसरी नहीं है, वारंट केस में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नेसेसरी है। समन केसेस में जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है वो 1 है, जबकि वारंट केस में जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है वो 2 टाइप्स का है। समन केस में 1 टाइप्स का प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है, वारंट केस में 2 टाइप का प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है। फर्स्ट जो कि बात करता केस इंस्टीट्यूट ऑन ए पुलिस रिपोर्ट एंड सेकेंड केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट। तो हम लेक्चर शुरू करते हैं फ्रेंड्स, उससे पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि सेक्शन 238 कंप्लेंस विद दी सेक्शन 207 ये बात करता है कि जब भी पुलिस रिपोर्ट पे कोई केस कोर्ट में आता है तो मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि क्या सेक्शन 207 के ऑर्डर की कंप्लेंस हुई है या नहीं। अब बात करें सेक्शन 207 क्या कहता है, ये कहता है कि जो एक्यूज है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या, लाइक एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, सेक्शन 161 एंड सेक्शन 164 के एग्जामिनेशन स्टेटमेंट, ये सब सेक्शन 207 में एक्यूज को विदाउट कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट के प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो जो सेक्शन 238 है उसमें यही बोलता है कि व्हेन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूट ऑन पुलिस रिपोर्ट द एक्यूज्ड अपीयर ब्राउट बिफोर ए मजिस्ट्रेट इन द कमांसमेंट ऑफ द ट्रायल, कि जो मजिस्ट्रेट है वो सेटिस्फाई होएगा जब एक्यूज्ड को कोर्ट में पेश किया जाएगा कि क्या इस एक्यूज्ड को सेक्शन 207 में कॉपी सप्लाई कर दी गई है, डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए हैं जो कि नेसेसरी हैं एक्यूज्ड को डॉक्यूमेंट देना। राइट, और वो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, पुलिस रिपोर्ट, लाइक पुलिस रिपोर्ट कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2R में डिफाइन है। राइट, ये सब। अब बात करें सेक्शन 239 की, व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। अब बात करता है ये व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, इफ अपॉन कंसीडर द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट सेंट विथ अंडर सेक्शन 173 एंड मेकिंग सच एग्जामिनेशन इफ एनी ऑफ द एक्यूज एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स नेसेसरी एंड आफ्टर गिविंग द प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हार्ड द मजिस्ट्रेट कंसिडर द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज ऑफ ग्राउंडलेस ही शैल डिस्चार्ज द एक्यूज एंड रिकॉर्ड ऑफ द रीजन फॉर सो डूइंग। अब ये बोलता है सेक्शन 237 कि जब मजिस्ट्रेट ने क्या है कंसिडर कर लिया क्या है पुलिस रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट जो कि उसकी उसे दिए गए थे कहाँ पे, अंडर सेक्शन 173 में, जिसे हम पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट कंसीडरेशन करने के बाद, पुलिस रिपोर्ट को कंसीडरेशन करने के बाद, एग्जामिनेशन करने के बाद और दोनों बोथ दी पार्टीज को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है कि प्रोसिक्यूशन को भी सुन लिया, एक्यूज को भी सुन लिया और डॉक्यूमेंट भी कंसीडरेशन कर ली, पुलिस रिपोर्ट भी कंसीडरेशन कर ली, एग्जामिनेशन भी कर लिया। अब जब जज को ये लगता कि जो एक्यूज है उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं बन रहा, तो मतलब उसके खिलाफ कोई ऑफेंस कमिट करने का ग्राउंड नहीं बन रहा, कोई चार्ज नहीं बन रहा, तो जो जज है वो क्या करेगा, एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा।
और जब डिस्चार्ज करेगा उसमें रीजन रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट, क्योंकि रीजन रिकॉर्ड करना नेसेसरी होता है, क्योंकि कल को कोई भी पार्टी लाइक जो प्रोसिक्यूशन है वो रिवीजन में जा सकता है, और रिवीजन में जब जाएंगे ये देखा जाएगा कि किस ग्राउंड पे एक्यूट को डिस्चार्ज किया गया, इसलिए जज को क्या है, मजिस्ट्रेट को रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। बात करें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की, सेक्शन 240 बोलता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इफ अपॉन द कंसिडरेशन एग्जामिनेशन एंड हेयरिंग द मजिस्ट्रेट इज ओपिनियन दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग ऑफ द अक्यूज्ड हैज कमिट ऑफेंस ट्राइबल अंडर दिस चैप्टर। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात करते हैं, सेक्शन 240 जो 240 है कि अब मजिस्ट्रेट क्या बोलता है कि ये सेक्शन क्या कहता है कि पुलिस रिपोर्ट को कंसिडरेशन कर लिया, एग्जामिनेशन भी कर लिया एंड डॉक्यूमेंट को भी कंसिडरेशन कर लिया और बोथ दी पार्टीज को भी सुन लिया, एक्यूज को भी सुन लिया प्रोसिक्यूशन को भी सुन लिया। अब एक्यूज जो जज है मजिस्ट्रेट है उसको लगता है कि हाँ प्रिज्यूमिंग करता है हाँ कि ग्राउंड बनता है क्या करने का, चार्ज फ्रेम करने का, तो वो जज क्या करेगा, जज चार्ज फ्रेम कर देगा। सबसे पहले वो क्या देखेगा कि वो कॉम्पिटेंट है क्या इस केस को सुनने के लिए, मतलब इस केस को डील करने के लिए कि उसके जुरिडिक्शन में ये मैटर आता है या नहीं, ये सब देखने के बाद जज क्या करेगा अपना ओपिनियन देगा, मतलब चार्ज फ्रेम करेगा, और जो चार्ज फ्रेम करेगा वो क्या करेगा रिटन में करेगा, राइट। और रिटन जिसका सब क्लोज ये बोलता है कि जो चार्ज फ्रेम किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा वो एक्यूज को पढ़ के सुनाया जाएगा, राइट। और इसके साथ साथ ये भी पूछा जाएगा, ये सेक्शन बात करता है कि आप गिल्टी प्लीड करते हो या नहीं, जैसे कि अपने सेशन ट्रायल पढ़ा था उस पर क्या था, उसमें अलग से सेक्शन में पूछा जाता कि आप गिल्टी प्लीज करते हो, लेकिन सेक्शन इसमें ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट में सेक्शन 240 में ही पूछ लेगा मजिस्ट्रेट कि तुम गिल्टी प्लीज करते हो, अगर वो मना कर देता है तो केस को आगे लेके चलेंगे, अगर वो ये बोल देता हाँ मैं गिल्टी प्लीज करता हूँ तो वो जज की डिस्क्रेशन है कि वो उसको कन्विक्शन करे या ट्रायल को चलाए, राइट। अब बात करें 241 की, कन्विक्शन ऑन प्लीज ऑफ गिल्टी, इफ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द पिला एंड मे इन हिज रिडक्शन कन्विक्शन। सेक्शन 241 ये बोलता है कि अक्यूज है गिल्टी प्लीड कर लेता तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा क्या उसकी स्टेटमेंट को, एंड अब मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन है कि उसको कन्विक्ट करेगा या ट्रायल को आगे चलेगा, अगर उसको ये लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है तो जज की डिस्क्रिप्शन है वो ट्रायल को आगे चला सकता है, राइट। अब बात करें 242 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड, कि जो एक्यूज है उसने मना कर दिया कि मैंने ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया, राइट, उसने क्या है कि उसने जो एक्यूज है उसने गिल्टी प्लीड नहीं की, तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, डज नॉट कन्विक्टेड द एक्यूज अंडर सेक्शन 241 कि उसको कन्विक्टेड नहीं किया 241 में, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि डेट फिक्स कर देगा किसके लिए, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए, एंड द मजिस्ट्रेट सेल अप सप्लाई इन एडवांस ऑफ द एक्यूड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। और एक्यूड क्या करेगा, इसका प्रोविजन बोलता है कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कॉपी पहले ही सप्लाई कर देगा किसको, एक्यूड को, किसकी स्टेटमेंट ऑफ विटनेस की, जो विटनेस उसने एग्जामिनेशन करवाने प्रोसिक्यूशन के, ताकि जो एक्यूड है वो जो एक्यूड है वो तैयारी कर सके किसके लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन सेक्शन 137 एविडेंस एक्ट में है कि जो कंप्लेंट है जो प्रोसिक्यूशन साइड है उसके विटनेस आएंगे और उनसे क्रॉस कौन करेगा, एक्यूज का प्लीड, राइट। अब बात करें इसका सब क्लोज 2 बोलता है, जी मजिस्ट्रेट ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन इशू ऑफ समवन ऑफ एनी इट्स विटनेस डायरेक्टली टू अटेंड द प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा एप्लीकेशन पे प्रोसिक्यूशन के क्या करेगा, इशू ऑफ समवन इशू प्रेस करेगा कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने कौन कौन से विटनेस एग्जामिन करवाने हैं, तो उनके लिए क्या करेगा, समन इशू करेगा। और एक इस सेक्शन में क्या खास बात है, किसी सेक्शन में डेट फिक्स करते हैं और इसी सेक्शन में क्या है कि मजिस्ट्रेट एविडेंस लेगा, जो कि सेशन ट्रायल में क्या था, डेट अलग से फिक्स करते थे एक सेक्शन में और एविडेंस अलग से लेते थे अनदर सेक्शन में, लेकिन इस सेक्शन में क्या है, इसी सेक्शन में डेट फिक्स करेंगे और इसी में एविडेंस लेंगे। इसका सब क्लोज 3 बोलता है, ऑन द डेट सो फिक्स्ड द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे प्रोड्यूस सपोर्ट इन प्रोसिक्यूशन, कि जो डेट फिक्स की है ना उसी में क्या करेगा मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एविडेंस लेगा और जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो अपने सपोर्ट में क्या करेगा, डॉक्यूमेंट भी पेश कर सकता है और एविडेंस भी प्रोड्यूस करेगा, राइट।
अब इसका प्रोविजो बोलता है, प्रोविजो दैट द मजिस्ट्रेट मे परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डेफर्ड अंटिल अदर एनी अदर विटनेस और विटनेस हैव बीन एग्जामिन्ड और रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर क्रॉस एग्जाम। कि जो मजिस्ट्रेट वो परमिट कर सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन को, मतलब डेफर कर सकता है कि कोई विटनेस है, मजिस्ट्रेट ये बोल देता कि इसको बाद में कराएंगे तो उसको डेफर कर देंगे, उससे पहले दूसरे विटनेस को क्या करेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन करवा लेंगे, राइट। ये बोलता है इसका प्रोविजो। अब बात करें 243 की, एविडेंस फॉर डिफेंस, कि जो प्रोसिक्यूशन है उसका एविडेंस क्लोज हो चुका है। अब किसकी बारी आती है, अब आती है एक्यूज साइड की। एक्यूज साइड अपनी जो एक्यूज है वो अपने डिफेंस में क्या लेके आता है, तो द एक्यूज सेल देन कॉल्ड अपॉन द इंटर अपॉन डिफेंस प्रोड्यूस द एविडेंस द एक्यूज पुट्स इन द रिटन स्टेटमेंट। कि अब बारी आती है किसकी, एविडेंस फॉर डिफेंस की, कि एक्यूज साइड की बारी आती है, अब वो डिफेंस लेके आएंगे अपने जो सॉरी एविडेंस लेके आएंगे अपने डिफेंस में। तो एक्यूज क्या है, रिटन स्टेटमेंट भी दे सकता है, रिटन में भी लिख के दे सकता है। तो क्या करेगा, जज उसको अपनी फाइल में रख लेगा। सेकंड बोलता है एक्यूज आफ्टर हैड एंटर्न अपॉन हिज डिफेंस अप्लाई द मजिस्ट्रेट इशू प्रोसेस। कि एक्यूज भी क्या कर सकता है, एक्यूज भी क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट को बोल सकता है कि आप इशू प्रोसेस कीजिए। और इशू प्रोसेस किसके लिए, कि मैंने कोई विटनेस एग्जामिनेशन करवाना है या कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है। तो अगर जज को ये लगता है कि जो एक्यूज है वो क्या कर रहा, टाइम वेस्ट करेगा कोर्ट का, तो वो उसके जो इशू प्रोसेस को क्या करेगा, उसकी एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर देगा। अदरवाइज ये लगता है कि हाँ ये नेसेसरी है, उसको अलाउड कर देगा। इसका प्रोविजो डेट बोलता है दैट व्हेन द एक्यूज हैज क्रॉस एग्जामिनेशन हैड अपॉर्चुनिटी क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस बिफोर एंटरिंग इन हिज डिफेंस अटेंडेंस सच विटनेस कंप्लेंट अंडर सेक्शन अनलेस द मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नेसेसरी एंड ऑफ जस्टिस। कि वही बात बोलता है कि अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि हाँ कि एविडेंस के लिए एप्लीकेशन जो इशू प्रोसेस के लिए एक्यूज बोल रहा है वो जरूरी है, तो अलाउड कर दे। अदरवाइज उसको ये लगता है कि एंड ऑफ जस्टिस है, मतलब जस्टिस को डिफेक्ट होएगा, तो अलाउड नहीं करेगा। अब थर्ड बोलता है द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 2 रिक्वायर्ड दैट द रीजनेबल एक्सपेंसिस इंक्वायर्ड बाय द विटनेस अटेंड इन द प्रपोज ट्रायल डिपॉजिट इन कोर्ट। कि जो एप्लीकेशन सब क्लोज 2 में देगा, तो सब क्लोज 3 ये बोलता है कि जो एप्लीकेशन समनिंग के लिए देगा उसका क्या है, खर्चा डिपॉजिट करवाया जाएगा किसके द्वारा, एक्यूज के द्वारा, कि जिस चीज को विटनेस को उसने करवाना तो उसके लिए क्या है कोर्ट में एक्सपेंसेस सबमिट करवाने पड़ेंगे, राइट। अब वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कोर्ट देखती है किस विटनेस पे कितने एक्सपेंसेस लगाती है, वो कोर्ट की पावर है। ये सेक्शन 243 इतना ही बोलता था। यहाँ पे हमारा क्या है, जो सेक्शन 238 से सेक्शन 243 तक केस इन इंस्टीट्यूट ऑन पुलिस रिपोर्ट पे पुलिस रिपोर्ट कंप्लीट हो जाता है। Thank you so much.